हेलो भाई, मेरा नाम है महिंदेश्वाल। भाई आज हम बात करने वाले हैं अपने बलिनों के बारे में। तो भाई ये देखो अपनी गाड़ी है, अभी सर्विस वर्विस करा के लेके आया हूँ भाई, कल ही इसकी है ना। अब भाई जब भी हम इसका म्यूजिक सिस्टम सुनते हैं ना यार, मज़ा सा नहीं आता, क्योंकि यार अपने को चाहिए थोड़ा बेस लाउड। और मारुति वाले ना यार इसके अंदर इतना बेस तो देते नहीं है, वही अपनी कंपनी फिट। इसके अंदर अभी स्पीकर और दो ट्विटर लगे हुए हैं, मतलब चार स्पीकर हैं इसके अंदर और दो ट्विटर हैं। पीछे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो ऐसा जिसके अंदर हमने कुछ लगवा नहीं रखा अभी ना, यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली पड़ी है बिल्कुल हर एक चीज़। तो आज हम इसको बनाने जा रहे हैं, टाइम तो वैसे बहुत लेट हो गया है। तो भाई सबकी मनपसंद जगह करोल बाग ही हम जा रहे हैं, वो भी सन्नी कार सीट कवर के पास, ठीक है। तो भाई ये बात होगी पूरी की पूरी। अब इसके अंदर हम ना इसको भाई लाउडेस्ट बनवाने वाले हैं। तो आज हम इसके अंदर क्या क्या काम कराने वाले हैं, तो पूरी वीडियो देखना डिटेल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और निकालते हैं यहाँ से। अभी हम निकल गए हैं अपना गाड़ी के अंदर अपग्रेडेशन कराने के लिए, ठीक है। तो ये देखो, और भाई ये जो स्पीकर और ट्विटर है ना चारों, ये हमने कितने किलोमीटर तक चला दी है देखो। आप यहाँ पे 31,229 किलोमीटर में गाड़ी चल चुकी है, लगभग 2019 एंड का मॉडल है ये, मतलब 20, 21, 22 तीन साल गाड़ी में, भाई 3 साल हो गए इस गाड़ी को, 3 साल मतलब मस्त चले स्पीकर और ये ट्विटर भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ की दिक्कत आई है कि अब ना थोड़ा बेस में ना ये थोड़ा भर भर करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर थोड़ी अपग्रेडेशन कराई जाए, जब भाई इतने दिन हो गए हैं। प्लस आप सबको ये अपग्रेडेशन पहले तो वहाँ पे जाके मैं आपको हर एक बेस ट्यूब चेक कराने वाला हूँ, बेस ट्यूब और सब वूफर दोनों ही। और बेस ट्यूब भाई मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ किसी भी, मैं सब वूफर की ही करता हूँ, क्योंकि भाई सब वूफर बेस्ट है। बेस ट्यूब यार बेकार है यार, वो इतनी बड़ी पेटी से रखवा लो, सब वूफर छोटा होता है और जगह भी कम घेरता है और बढ़िया भी रहता है वो, ठीक है। तो अभी चलते हैं और चल के एक बार आप सबको चेकआउट कराता हूँ। भाई गाड़ी अपनी तो जा रही है पार्किंग की तरफ, वहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो वो जा रही है अपनी पार्किंग के अंदर। अपन लोग पहुँच चुके हैं सन्नी भाई के पास, फाइनली अपनी गाड़ी में जो है वो काम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या लगवा रहा हूँ, सबसे पहले भाई ये वायरिंग लगाएंगे। तो भाई किसकी वायरिंग है ये, पैनासाउंड की? तो भाई इसके अंदर पैनासाउंड की वायरिंग लग रही है, ठीक है। और ये अपना एम्प कौन सा लग रहा है भाई? SNB साउंड बैरियर, SNB साउंड बैरियर। ये 4 चैनल 2 चैनल लग रहा है ना इसमें? 2 चैनल। वर्क बढ़िया करेगा? बेस्ट है भाई। ये देख लो 3600 वाट का है और V12, ठीक है। ये इसके अंदर एम्प लग रहा है। बाकी इसके अंदर जो हम सब बूफर लगवा रहे हैं वो लगवा रहे हैं, कहाँ भाई सब बूफर कहाँ है? सब बूफर डिग्गी में रखी है। तो ये सब बूफर दिखाया था मैं आपको, इसमें लगा रहा हूँ मैं सोनी एक्सप्लोर 1800 वाट की, भाई JBL से भी हाई एंड है बिल्कुल, ठीक है। तो इसे आप देखोगे यहाँ पे 1800 वाट सोनी एक्सप्लोर, ठीक है, बहुत ही हैवी क्वालिटी है भाई सब। पूरा ये जो है ना इसका जो बॉक्स बना हुआ है लकड़ का है। और मैंने ये क्यों चुना भाई, बेस ट्यूब जो होती है ना ये पूरा एरिया घेर रही थी, ठीक है। अब ये जो है छोटी सी, देखो कितना इतनी सी है भाई, ठीक है, ये अपना साइड में आ जाएगी। और इसकी जो बेस है ना भाई, मतलब बिल्कुल हाई एंड है बिल्कुल, है ना। तो इससे भाई इसलिए हमने इसके अंदर थंबनेल वगैरह के अंदर लिखा हुआ है कि लाउडेस्ट बलिनो, ठीक है भाई। अपना JBL वगैरह जो लोग लगवाते हैं ना, मोस्टली लोग JBL पैनासाउंड ये सब लगवाते हैं, लेकिन मैंने सोनी लगवाया है, ठीक है भाई। है ना, कैसा लग रहा है? हाँ, 12-13 साल का हमारे पास इसका भाई एक्सपीरियंस, इसलिए क्योंकि हम पे जो पहले गाड़ी थी वैगनार उसके अंदर 2 स्पीकर थे भाई, वो 2 स्पीकर पूरी गाड़ी ला देते थे, वो भी ऐसे सोनी एक्सप्लोर के थे, ठीक है। स्पीकर लगवाए हाँ, तो भाई इसके अंदर मतलब फर्स्ट टाइम हम बेस्ट सब ऊपर जो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो अपना जो है इसके अंदर अभी भाई आगे काम चल रहा है, तो काम जो स्टार्टिंग हो, मैंने कल ही सर्विस कराई थी गाड़ी की। भाई वायरिंग कैसे कैसे होगी इसकी, वायरिंग कैसे कैसे होगी? अंडरग्राउंड होगी भैया, पूरी अंडरग्राउंड होगी, अंडरग्राउंड। चलो भाई करो भाई वायरिंग भी। तो ये पूरी होगी? हाँ, ये पूरी वायरिंग है। हाँ भैया। अच्छा, तो भाई फाइनली जो है अपनी गाड़ी के अंदर जो है बेस ट्यूब लग के तैयार हो गए। भाई क्या क्या लगाया इसके अंदर ये चीज? ये भैया फ्यूज है, अगर मान रहे कोई हीट वीट कुछ चीज होता है। अच्छा, तो ये अपना फ्यूज है जो उसको वायरिंग को और अपना एम्प को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, मतलब इसमें दिक्कत नहीं आती? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये हर कोई लगाता नहीं है ना? हर कोई नहीं लगाता भैया। अच्छा, इससे फायदा ही फायदा है, मतलब है ना, सिर्फ एक ही वायरिंग आई है इसके अंदर। मैंने 2 चैनल एम्प लगाया ना इसके अंदर। हाँ भैया, और 4 चैनल होता तो? 4 चैनल होता तो भी एक ही वायरिंग लगती, लेकिन वो थोड़ी हैवी और हो जाती है। अच्छा, थोड़ी और हैवी हो जाती है। वैसे 2 चैनल तो बढ़िया है ना इसके अंदर? बेस्ट है। हाँ, बूफर के लिए बेस्ट है। अच्छा अच्छा, बाकी भाई वायरिंग का एक भी भाई ने जो है कट नहीं किया है,
ठीक है, अपना जो एम्प है वो यहाँ पे रखा गया है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये अपना एम्प जो है यहाँ पे रख गया है, ठीक है। कनक आवाज कैसी है गाड़ी की? बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है, बहुत हैवी है सारा है। चलाइए एक बार, चलाऊं एक बार मैं आपको इसके सॉन्ग सुना देता हूँ पूरा करें भाई। वो मैं आपको लेके बेस ट्यूब और दिखा देता हूँ, इसमें जो लगवाई हमने बेस ट्यूब नहीं, थोड़ी सब ऊपर बाबा बेस ट्यूब निकलता मुँह से, ये देखो अपना, और सबसे हैवी सब ऊपर लगवाया 1800 वाट का भाई, सोनी एक्सपोर्ट का ओरिजिनल, इसमें कॉपी भी आते हैं। अभी हम आ गए हैं बिलिंग कराने के लिए राकेश भाई के पास, और ये अपने सन्नी भाई, ठीक है। तो भाई ऑप्शंस तो बहुत सारे थे हमारे पास, सोनी भी है, रॉकफोर्ड भी है, और भाई अपना पैनासोनिक भी है, क्विक सोनिक भी है, मतलब JBL वेबिल हर एक था, लेकिन सबसे हाई एंड लगाया भाई ने, बोला कि सबसे हाई एंड लगाओ है भाई, क्या कहते हो? तो हमने आपकी गाड़ी में जो लगाया है वो एक्सप्लोर्ड सोनी का जो है 1800 वाट का बूफर है, और एक्सप्लोर्ड सोनी का जो कि काफी उसका आप उसका आउटपुट सुने ही होंगे, काफी अच्छा। कैसा लगा आपको आउटपुट? बढ़िया, एक नंबर, बढ़िया ना, एक नंबर। इसी तरह के से हम और सारी गाड़ियों में और सारे कस्टमर्स को भी लगाता हूँ, वो काफी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो भाई कहने वाली बात ये है कि भाई देखो सजेस्ट तो सबको करते हैं ये हर एक चीज, लेकिन कोई कोई लगवा पाता है उसको। हाँ एक्चुअली थोड़ा है, कहते हैं कि हमें इनबिल्ट एम्पलीफायर चाहिए, तो अब कस्टमर भी डिपेंड करता है उनको कैसा बेस ट्यूब इंस्टॉल करवानी है। तो हमारे पास इनबिल्ट वाली भी ऑप्शन है कि आपको पैनासोनिक में जैसे कि आपने दिखाया अभी, उसमें जो एम्पलीफायर है वो इनबिल्ट है। इनबिल्ट है तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन होता है कि आपका इनबिल्ट एम्प हो जाता है तो फिर एम्प की जरूरत नहीं होती अलग से। अच्छा, अच्छा। जिनको कॉस्टिंग अगर थोड़ा ज्यादा ऊपर आवाज चाहिए, साउंड चाहिए, तो उनमें आप अलग से एक एम्पलीफायर डलवा सकते हो। अच्छा अच्छा भाई, एक बात बताओ, जो अभी हमने लगवाई है, देखो भाई पूरे पैसे तो हमने पूरे दिए हैं, कितने दिए हैं ये बताओ? आपने 12,500 दिया है ना, 12,500 भाई, काम जेन्युइन हुआ है, कहीं भी 1% की भी वायरिंग कटिंग नहीं हुई है मेरी गाड़ी के अंदर, ठीक है। बाकी आपने आवाज़ वगैरह सब सुनी ली है, एक नंबर की आवाज़ है, ठीक है। बाकी भाई कोई भी आए तो डिस्काउंट जरूर दे देना यार जी, बिल्कुल आप, ठीक है भाई। बाकी भाई का नंबर मिल रहा होगा आपको, दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, सन्नी भाई का भी, राकेश भाई का भी, और एक और लड़का यहाँ पे नेपाली उसका भी, ठीक है, किसी को भी फ़ोन कर लें, देखो ये रहा नेपाली, ठीक है भाई। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।